अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना, यानी ये घर के बारे में हो रहा है कि अपने अपने घर कैसे लोग बनाते हैं। तो बताइए तो भला, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हो कि कौवा अपना घर देखो कैसे बनाया, चिड़िया ने अपना घर कैसे बनाया है, और यहाँ पर चूहा देखो उसका घर क्या है, बिल है ना। तो चलिए देखते हैं कि बिल्ली किसके ताक में बैठी है। ये तस्वीर में आप देखेंगे कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। ये बिल्ली यहाँ बैठी है, कौवा उससे डर डर के उनके भगा रहा है। बताओ तो भला, परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं, पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती हैं, उनके रहने का इंतजाम कौन करता है। अब बिल्लियों का इंतजाम तो हम इंसान ही करते हैं क्योंकि हम ही उन्हें पालते हैं। अब घर की जरूरत क्यों होती है, कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ होती है, तो इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं और घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। सही है ना बच्चों। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है, तो घर की वजह से वो डर भी खत्म हो जाता है ना। आगे हम देखेंगे कि क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। कुछ जानवरों को घर की जरूरत होती है, वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर नया लफ्ज सीखो, मस्कन क्या होता है, घर होता है। अब घर जो है खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह, ऐसा आसरा जिसके जरिए धूप हवा बारिश से बचा जा सके, है ना। अब खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर, अब जो जानवर खुद से बनाते हैं उनमें देखेंगे कि परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे, घोंसला परिंदों के जरिए खुद के लिए बनाया हुआ मस्कनी है। अब परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का डर रहता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की जरूरत होती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं, अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं, खुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में तो नहीं होती ना, तो घोंसले की वजह से क्या होता है, बच्चों की हिफाजत होती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। अब घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास में घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, कपास यानी कापूस, डोर या या सुतली होती ना, ये जैसे बोलते हैं रस्सी वगैरह के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। अब तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे तो नहीं होते ना, तो घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं, बिया नामी। अब देखो ये चिड़िया आप देख रहे हो साइड में, ये पीले रंग की, ये इसका नाम है बिया चिड़िया। तो ये जो है इसको देखो, और घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख पर पसंद रह मतलब उसको रहना पसंद है, जहाँ पे क्या होता है पानी भी नजदीक हो और कांटेदार दरख्त हो, और दरख्त के कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती है ना, वहां पर ये इस तरह से बनाती है। इनमें ऊंची शाख पर बिया का घोंसला होता है, अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है, इसलिए देखो वो ऐसा बनाती है। अब दर्जी परिंदा, यहाँ पर आप ये देखोगे तस्वीर, ये दर्जी परिंदा है, ये चिड़िया जैसी है, गोरैया जिसे कहते हैं, वो छोटा होता है, बहुत छोटे साइज की, और घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। वो क्या करता है, बड़े जो डाल वाली होती है ना, बड़ी बड़ी झाड़ियां, उसमें वो अपना घर बनाना पसंद करते हैं, और झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सी कर वो घोंसला बनाते हैं, और सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बेल यानी जो पत्तों की बेल होती है ना, बेलों वाला जो पेड़, उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो छोटा सा घोंसला इस छोटे परिंदे के लिए काफी हो जाता है। अब अगली तस्वीर देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये शहद का गुच्छा है, शहद की मक्खी, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि कुछ कीड़े भी अपनी मस्कन खुद तैयार करते हैं, जैसे शहद की मक्खियां दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों के नीचे बने हुए छत्तों पर छत्ता बनाती है। ये छत्ता जो है वो उनका घर होता है एक्चुअली, और घूस घूस होता है ना, जो जो चूहों की तरह बड़ा साइज का होता है उसे घूस कहते हैं, और चूहे छोटे होते हैं ना, तो खेतों में जमीन के नीचे रहते हैं, और रहने के लिए वो जमीन खोद कर बिल बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये जमीन को अंदर
जगह बना लेते हैं और उसी में छुप छुप के रहते हैं। अब घूस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं, घरों के अंदर ही दीवारों या जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के जरिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों के को खोद नहीं पाते हैं ना, इस वजह से वो क्या होता है, घरों में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे माहौल में बनाया या मस्किन ढूंढने वाले जानवर, अब माहौल में बना बनाया जिनको मिल जाता है, जैसे कबूतर, फाख्ता वगैरह, देखते हैं हम पढ़कर कि कुछ जानवर मस्किन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते, वो माहौल ही में मुनासिब जगह इंतखाब करके मस्किन के लिए कर लेते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं, ऊंची ढलवान चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में रहते हैं, और कुछ तो इंसानों की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवारों की सुराखों में मस्कन बनाते हैं। अब कबूतरों की बात मैं करूँ ना, तो हमारे यहाँ जो एसी लगी है उसके नीचे जो एक स्टैंड है ना, ये उसी के अंदर छुपे रहते हैं, और जो मैंने पॉट लगाया है पौधे वगैरह के, ये जब खाली देखते हैं ना उसमें भी अपने अंडे वगैरह दे देते हैं, उसमें बैठने लग जाते हैं। तो हमें इसे भगाना भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, वो भी तो अपना जगह ढूंढेंगे ही ना, तो एसी की जगह तो ये लोग रह लेते हैं आराम से। अब शेर, चीता, लकड़बग्घा पहाड़ों के गारों में रहते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर देखो कैसी ये रह रहा है, और चंद किस्म के चमगादड़े होती है ना, तो ऊंचे दरख्तों पर रहती हैं, लेकिन कुछ चमगादड़े पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती हैं। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहते हैं, और इस तरह से देखो उल्टा लटके रहते हैं पेड़ों पर, दीवारों को पकड़ पकड़ के उल्टा लटके रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है, कहते हैं कि सांप चींटी के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि चींटियां जो है वो घर बनाती है। यहाँ पे आप शेप देख रहे हो ना, इस तरह से वो मिट्टी में घर बना लेती है, लेकिन सांप घर नहीं बनाता, सांप बिल में रहता है, वो भी चूहों की तरह बिल में रहता है। अब पालतू जानवरों का मस्कन क्या क्या है, कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं, यानी उन लोगों को पालने के साथ साथ उनको रहने के लिए भी ठिकाना बनाते हैं। जैसे मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं, है ना, और गाय के लिए कोठा बनाया जाता है इस तरह से लकड़ी का, और घोड़ों के मस्कन को अस्तबल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा, ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्किन की जरूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्किन तैयार करते हैं, कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्किन ढूंढते हैं, और कुछ जानवरों को पालते हैं, इन पालतू जानवरों के लिए मस्किन बनाए जाते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, क्या शौक की खातिर जानवरों को पिंजरों में रखना दुरुस्त है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शौकिया नहीं करना चाहिए। अब जानवरों को इनके फितरी माहौल में जिंदा रहने दें, इन्हें उन्हें आजाद छोड़ दें। तो बच्चों यहाँ पर सबक पूरा हुआ, हमने पढ़ के समझा और जाना, तो चलिए इस सबक का अब मश्क भी कर लेते हैं। मश्क के लिए हम जाएंगे दूसरी पेज पे, इसके लिए मैं एक पेन ले लेती हूँ, और पेन ले लेंगे हम लाल रंग का, जिससे हम अंडरलाइन कर करके आपको समझाते चलेंगे। तो आप बच्चों नोटबुक ले लीजिए और ये सारे सवाल जवाब को अपने व्यास में उतार लीजिए। तो पहला है यहाँ पर सवाल अलिफ, क्या करेंगे भला, देख रहे हैं आप सबक नंबर 3, मस्कन अपना अपना सबक का नाम है, ये तीसरी जमात का ईवीएस का है, यानी माहौल का मुताला। तो हम यहाँ पे अलीफ का सवाल हल करने जा रहे हैं, क्या करेंगे भला। आजकल कई शहरों में परिंदों की तादाद कम होती जा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, है ना। तो जवाब है यहाँ पर कि शहरों में बस्तियां बसने लगी है, जंगल झाड़ियां और जो है वो कटती जा रही है, जंगल झाड़ियां जो काट के तभी तो बिल्डिंगें बनती है शहरों में, और इस वजह से क्या होता है, परिंदों को अपने मस्कन बनाने की सहूलत नहीं रहती और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। अगर बिल्डिंगों में पेड़ लगाए जाएं तो वो फिर से आकर बसने लगेंगे। अब बे में सवाल है कि आओ दिमाग पर जोर दे, पहला है कि चींटियां किस चीज से अपना घर बनाती है, तो जवाब है कि चींटियां, ये है जवाब कि चींटियां जो है जमीन के नीचे मिट्टी से अपना घर बनाती है। अब ये देखो इनका घर बना हुआ है और ये है चींटियां, इस तरह से ये शेप में होती हैं। दूसरा सवाल दो में है कि ये क्यों कहा जाता है कि बिच्छू पत्थर के नीचे मिलता है, तो यहाँ पर है कि बिच्छू हमेशा ही छुपी हुई जगह पर रहता है वो, और डंक मारता है पत्थर और मिट्टी के बीच में दबा रहता है। तो ये देखिए बिच्छू की तस्वीर, एक लाल रंग का है और ये काले रंग का। तीसरा सवाल है कि कुछ
कबूतर और फाख्ता जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती के करीब रहने के लिए आए, और कुछ चूहे और इंसानों की बस्ती के करीब जो है वो रहने के करीब रहने लगे। इनकी क्या वजह हो सकती है? तो हम जवाब देखेंगे यहाँ पर कि घूस चूहे खेतों में जमीन के नीचे रहते हैं, रहने के लिए वो जमीन खोदकर बिल बनाते हैं, और कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं, कुछ तो इंसानों की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवार को सुराखों में मस्कन भी अपना बनाते हैं। तो इसका जवाब हम देंगे कि घूस और जो चूहे है ना, वो कबूतर और फाख्ता यानी इन लोग को दाना पानी आसानी से मिल जाता है इंसान को, इस वजह से इंसानी बस्ती के करीब में ये लोग आके रहने लगते हैं। आखिरी यहाँ पे सवाल है चौथा, कि नीचे दी हुई तस्वीर देखकर जानवर और उसके मस्कन की जोड़ियां लगाइए। तो चलिए इसकी जोड़ी लगाएंगे, ये चौथा सवाल है। अब यहाँ पर देखो दिखा रहा है ये शेर है ना, चीता। चीता कहाँ रहता है? ये गुफा में रहता है, तो ये गुफा को हमने जोड़ी लगा दी शेर के साथ। दूसरा है यहाँ पर चूहा। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है, तो ये चूहा बिल में है। ये है चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? ये अपना नेस्ट यानी कि खुद का घोंसला बनाती है। और ये जो है मुर्गी है, इसको जो है दरबा हम खुद बनाकर देते हैं, इसे हम पालते हैं, हमें इससे अंडे और गोश्त मिलते हैं, चूजे भी मिलते हैं, है ना। तो आगे यहाँ पर है खाली जगह पुर करना। पहला है कि तमाम जो परिंदों को घोंसले है ना, वो डैश नहीं होते यानी एक जैसे नहीं होते। दूसरा है कि डैश नामी परिंदा चिड़िया से छोटा होता है यानी दर्जी परिंदा। तीसरा है कि कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर डैश नहीं करते यानी कोशिश नहीं करते। चौथा है कि शेर चीता डैश पहाड़ों के गारों में रहते हैं, लकड़ बग्घा ये सब जो है वो पहाड़ों की गारों में रहते हैं। पांचवा है यहाँ पर कि घोड़े के मस्कन को डैश कहते हैं यानी स्तबल कहते हैं, स्तबल में वो रहता है ना। आगे हम दाल का सवाल हल करेंगे कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि दर्जी चिड़िया पत्तों को सीने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती है? तो दर्जी चिड़िया पत्तों को सीने के लिए धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करती है। अब ये है दर्जी चिड़िया, जो चिड़िया से भी छोटी होती है। दूसरा सवाल है कि अंडे खाने वाले जानवरों को बिया के घोंसले में जाना क्यों मुश्किल होता है? तो घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं घोंसला बनाने के लिए, और घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करते हैं। दरख्त की कुछ शाखें पानी में झुकी हुई होती है, इसमें ऊंची शाख पर बिया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना इसी वजह से मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है बिया। अगला सवाल है तीसरा, कि परिंदे घोंसले को नरम और गरम किस तरह बनाते हैं? तो यहाँ पर है कि घोंसले बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास यानी कापूस, डोर या सुतली का के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उनके जो घोंसले होते हैं ना, वो अंदर से नरम और गरम होते हैं। अगला सवाल चौथा है कि सीमेंट से बने हुए घरों में चूहे और घूस आसानी से क्यों नहीं आते? अब यहाँ पर जवाब है कि घूस और चूहे सीमेंट के जरिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते। ये है चूहा। ठीक है, आखिरी सवाल है यहाँ पर पांचवा, कि अंधेरे घरों में रहने वाली चमगादड़े और कहाँ मस्कन अपना बनाती हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चंद किस्म की चमगादड़े जो है वो ऊंचे दरख्तों पर रहती हैं, लेकिन कुछ चमगादड़े जो है पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती हैं, और कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जो मुकम्मल हुए बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो घर बैठे आसानी से सारे सवाल जवाब हल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इस सबक के मुताबिक कोई भी आपके जहन में डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।